अभी श्रेणी में बताना है कि श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। लास्ट पद तो आपको दिखाई दे रहा है कितना, 205, पर इस श्रेणी में कितने पद जा रहे थे वो अपन को पता नहीं है। तो एन बराबर तुम्हारे पास कितना, 205 मान लिया इसको, ए बराबर कितना मान लिया, 7। अब डी कितना आएगा, डी के लिए अपन क्या करते हैं कि दूसरे पद में तो पहला पद 13 में 7 है, कितने बचे अपने पास, 6 बचेंगे, ठीक है। तो अब डी है तुम्हारा, एन बराबर सूत्र लगाइए, एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन और डी। तो मान लिया एन पद इस श्रेणी में, माना एन पद श्रेणी में, तो एन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एन। तो एन बराबर कितना, 205, ये 205 रख दिए, ए की जगह कितना, 7, ये 7। एन कितना, एन ज्ञात करना, पता करना, लिखना ही नहीं। डी कितना है तुम्हारे पास, 6, ये 6 लिख दो। अब क्या करेंगे, 205, 7 को इस साइड लाओ, एन माइनस वन और डी की जगह कितना, 6। 205 गए तो कितने बचे यहाँ से, 198 बराबर एन माइनस वन और 6। इस डी को इसके बटे में लाइए आप, ठीक कटा, 6 × 18 बचा है, 6 × 18 तो 33 बराबर आएगा एन माइनस वन। ये एन को भी इस साइड लाइए आप, तो 33 प्लस का 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आया, 33 × 34, मतलब श्रेणी में कुल पद कितने हो गए। अतः श्रेणी में 34 पद है, कितने पद हो गए, 34 पद। इस श्रेणी में कितने पद है ये अपन को बताना है। तो ये दूसरा सवाल है, ए बराबर तुम्हारे पास है 18, ठीक है, और एन बराबर कितना है, आखिरी पद को एन मान लो, माइनस का 47, ठीक है। अब डी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, डी। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15 − 1/2, इसमें से 15 से 1/2 इसमें से माइनस करेंगे कितना, 18। तो अब देखिए आप, ये 15 से 1/2 का अर्थ क्या होता है कि 15 और आधा कितना हो रहा, 15.5 कितना हो रहा, 15.5, और ये कितना रहा अपने पास, 18। तो डी बराबर देखिए आप, 18 में से 15 जाते कितने बच रहे अपने पास, 3, और 3 में से फिर आधा, 2.5 बच रहे अपने पास, कितना रहा, 2.5। तो माइनस का 5/2 लिखिए आप डायरेक्ट, ठीक है। तो डी बराबर अपने पास कितना आया, 5/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर करो इसको सॉल्व, एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन और डी। एन ज्ञात करना कि कितनी श्रेणी में कुल कितने पद है, तो कितने पद है अपने पास, एन पद है। तो ए एन की जगह कितना रखेंगे अपन, माइनस का 47 बराबर ए की जगह कितना, 18। एन की जगह क्या, कुछ भी नहीं। डी कितना अपने पास, माइनस का 5/2, तो माइनस का 47। अब ये 18 इस साइड लाइए आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 18 बराबर एन माइनस वन और डी की जगह कितना है, चल ही रहा अपने पास, तो माइनस का 5/2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 8 × 7 = 15 = 5, हासिल का 1, 4 × 2 = 6 = 61 हो गए। एन माइनस वन माइनस का 5/2। तो अभी क्या करेंगे, इस 2 का इंटू इसमें करेंगे पूरी संख्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 130 बराबर एन माइनस वन माइनस का 5, ठीक है। तो अब इस 5 को इसके बटे में लाइए आप, पूरे माइनस 5 को लाइए बटे में, एन माइनस वन, माइनस माइनस कट गया, 5 × 5, 5 × 2 = 10, बचे 3 इधर गए, 5 × 6 = 30, तो अपने पास आ रहा है 26 बराबर एन माइनस का 1, तो 1 इधर आया, तो 26 प्लस का 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना हो गया, 27। तो अब श्रेणी में कुल कितने पद हो गए, 27। अतः समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 27, ये आंसर।